सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ONGC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2014 में पूछा गया था। आज की वीडियो में मैं नहीं रहूँगा, मतलब मेरा वीडियो जो फेस कैम होता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि सब टेक्निकल इशू के वजह से और एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा वीडियो को टाइम डिले ना करते हुए हम लोग वीडियो फटाफट अपलोड करेंगे विदाउट फेस कैम। तो इसलिए मेरी जगह पे अभी सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा और क्वेश्चंस हम लोग दिखाई देंगे यहाँ पे, जो मैक्सिमम मैं इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करूँगा ये वीडियो। और अगर मैं यहाँ पे वीडियो में भी नहीं हूँ, फिर भी आप अपना जो ध्यान है वो भटकाने मत देना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं 2019 के कंपैरिजन में। अगर आप 2014 का पेपर देखोगे तो थोड़े मुझे क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल के लगे, 2019 का बहुत ही ईजी पेपर लगा मुझे, तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 2019 का पेपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आपको पता नहीं होगा, आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ये वीडियो पे आ रहे हो, तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो 2019 का जो पेपर है वो डिस्कस किया है, वो देख लेना, वहाँ पे सभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज, अ वोल्टेज ऑफ 1000 kV इज अप्लाइड टू एन ओवरहेड लाइन विथ इट्स रिसीविंग एंड ओपन। इफ द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ द लाइन इज 500 ohms, देन द टोटल सर्ज पावर इन द लाइन इज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एक तो वोल्टेज का क्वांटिटी है, दूसरा है ओम्स का क्वांटिटी, और हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है हमारे वो सभी पावर के टर्म्स है। अगर हम लोगों को सर्ज पावर ही देखा है, सर्ज पावर ही हम लोगों को यहाँ पे पूछा है। तो वैसे भी मैंने बहुत बार कहा था कि अगर आपको कुछ पता भी नहीं होगा फॉर्मूला, फिर भी आप जो ऑप्शन गिवन दिए है उसका यूनिट के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों को पावर है वो फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो पावर का अगर हम लोगों को फॉर्मूला क्या बोलते हैं, या तो I²R होता है या फिर V²R होता है, करेक्ट। यानी कि V² / ओमिक वैल्यू, तो हम लोगों को पता है वोल्टेज का वैल्यू दिया है और ओम्स का वैल्यू दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो अपना ओमिक वैल्यू है वो। ओके, तो यही एक्चुअल में करेक्ट फॉर्मूला है, जो सर्ज इंपेडेंस बढ़ी है फिर जो सर्ज पावर हम लोग कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला यही है। आर के जगह पे हम लोग वहाँ पे जेड का वैल्यू कंसिडर करते हैं, क्योंकि सर्ज इंपेडेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लूंगा, यहाँ पे वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो इंपेडेंस का वैल्यू है, करेक्ट। दोनों में से आप अगर आपको इजिली समझ में आ रहा है तो इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो। तो वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 1000 kV। ओके, 1000 kV का कंप्लीट स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ओम, वो ओम्स कितना है, 500 ohms है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 × 1000, और केवी का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 10^6, यानी कि मेगा हो जाएगा डायरेक्टली, और डिवाइडेड बाय है यहाँ पे 500, तो ये हो जाएगा 2 times, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, 2000 MW, ठीक है। अगर आपको कुछ फॉर्मूला याद भी नहीं है, तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग ऑप्शन के जो यूनिट है उसके हेल्प से और जो गिवन डेटा है उसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंगल फेज वन पल्स कंट्रोल सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस एंड अ काउंटर EMF लोड एंड 400 sin 314 t एज द सोर्स वोल्टेज। फॉर अ लोड काउंटर EMF ऑफ 200 volt, द रेंज ऑफ द फायरिंग एंगल कंट्रोल इज। एक एक जो फ्रेज है हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, सिंगल फेज वन पल्स कंट्रोल सर्किट, यानी कि सिंगल फेज है यहाँ पे, ओके, हैज अ रेजिस्टेंस, यानी कि उसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस है वो सर्किट में, एंड काउंटर EMF लोड। तो मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो लोड है वो RE लोड हो सकता है, RE लोड है जहाँ पे सिंगल फेज इनपुट सप्लाई है, सिंगल फेज इनपुट सप्लाई है, और जो इसका जो लोड है वहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस एंड EMF, यानी कि RE लोड है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बीच में क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है फायरिंग एंगल कंट्रोल, करेक्ट। तो मतलब डायोड तो नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे SCR है वो अज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया है क्या क्वेश्चन में, कहाँ पे SCR है क्या, नहीं, SCR इन्होंने नहीं दिया, सिर्फ फायरिंग एंगल कंट्रोल, तो हम लोग SCR लेंगे, कोई बात नहीं। R का वैल्यू इन्होंने कितना दिया है यहाँ पे, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है कुछ, रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे लिखेंगे। लेकिन EMF का वैल्यू इन्होंने दिया है, द लोड काउंटर EMF इज 200 ohms, उन्होंने स्पेसिफिकली मैंशन किया है कि जो E का वैल्यू है वो 200 volts है, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो इन्होंने यहाँ पे दिया है 400 sin 314 t, ये इसका सप्लाई इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कैसा हो जाएगा। साइन वेव फॉर्म इनपुट है, करेक्ट, साइन वेव फॉर्म इनपुट है, और हम लोगों को पता ही है SCR या फिर अगर कोई भी हम लोग डायोड अगर कंसिडर करेंगे, चलो डायोड से समझ लेते इजीली, ये होता है हमारा एनोड का एनोड टर्मिनल, ये होता है हमारा कैथोड टर्मिनल। डायोड कब कंडक्ट करेगा, जब एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द कैथोड
कैथोड वोल्टेज, करेक्ट। ये जब कंडीशन होगा तो ही अपना डायोड कंडक्ट करेगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में। इन केस ऑफ एससीआर ऑल्सो, जब एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज होगा तभी ये कंडक्ट करेगा। तो हमारे पास अभी क्या है, देखो बीच में हमारे पास यहाँ पे एससीआर कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड पे सोर्स वोल्टेज और यहाँ पे ईएमएफ है। तो दोनों के बीच में, यानी कि दो वोल्टेजेस हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं जो 200 वोल्ट जो ई वाला वैल्यू है वो भी यहाँ पे मार्क कर दूंगा। और ये एससीआर जो बीच में हम लोगों ने अज्यूम किया है वो कब कंडक्ट करेगा, जब अपना जो सोर्स वोल्टेज है इट इज ग्रेटर देन दिस 200 वोल्ट, ओनली दैट पर्टिकुलर केस जो अपना एससीआर है वो कंडक्ट करेगा, करेक्ट। तो इसलिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन है, तभी इतना ही पोर्शन में अपना जो एससीआर है वो कंडक्ट करेगा। अगर वैल्यू इससे कम है, सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू अगर 200 वोल्ट से कम है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे है 200 वोल्ट और ये है यहाँ पे पीक जो वैल्यू है वो कितना है, 400 है ना, वीएम का वैल्यू है 400 sin 314t। तो जब भी 200 से 400 के बीच में वोल्टेज रहेगा तब भी जो एससीआर है वो कंडक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी जब भी वो कंडक्ट करेगा तभी हम लोग उसको फायरिंग कर सकते हैं ना। मतलब अगर उससे कम है वोल्टेज तो वैसे भी फायरिंग करने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस तो है ही नहीं वो। तो इसलिए 200 के ऊपर जब जाएगा तभी हम लोग उसको फायर करेंगे, यानी कि इसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर जोन में आउटपुट पे, जैसे ही ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा तब वीएम वाला वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज हमें जो ई का वैल्यू है वही आउटपुट पे अक्रॉस मिलेगा, ठीक है। तो कुछ वेवफॉर्म है वो हम लोगों को ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, जब भी सोर्स वोल्टेज का वैल्यू वो ई से ज्यादा रहेगा, यानी कि लोड वोल्टेज से, लोड ईएमएफ से, तभी हम लोगों को जो आउटपुट है वो मिलेगा, ये होगा आउटपुट वोल्टेज। अभी हम लोगों को इसे नोटेशन लिखते हम लोग थीटा वन और थीटा टू, ओके। यूजुअल केस में अगर हम लोगों ने डायोड कंसिडर किया तो, डायोड कंसिडर किया तो डायरेक्टली यहाँ से कंडक्ट करना चालू करेगा थीटा वन से अप टू थीटा टू तक, लेकिन अगर अल्फा कंसिडर किया तो हम लोग थीटा वन से थीटा टू के बीच में कहीं पे भी फायरिंग कर सकते। तो हम लोगों को रेंज ही पूछा है, तो बेसिकली मतलब हम लोगों को थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू होगा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे जो वीएम का वैल्यू, यानी कि जो वीएम सोर्स वोल्टेज है और जो ई का वैल्यू है, वो दोनों जहाँ पे इक्वल हो रहे हैं वो हम लोग वैल्यू है वो देखेंगे, यानी कि ई का वैल्यू इज इक्वल टू वीएम साइन थीटा, करेक्ट। जहाँ पे ई का वैल्यू और वीएम जो साइनसोइडल वेव है, जब वो इक्वल हो जाएंगे वो पर्टिकुलर इंस्टेंट है थीटा वन वाला इंस्टेंट, करेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा वन। इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई डिवाइडेड बाय वीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राइट साइड में साइन थीटा वन। तो थीटा वन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय वीएम, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ई का वैल्यू कितना दिया है 200, वीएम का यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम कितना है 400, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ हम लोगों को कहाँ पे मिलता है, 30 डिग्रीज पे, करेक्ट। ऑप्शन तो हमारे पास एक ही है, तो ऑप्शन जो वन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट मिल गया हम लोगों को। थीटा टू का वैल्यू कैसे हो जाएगा, थीटा टू का वैल्यू होता है 180 डिग्रीज माइनस थीटा वन, तो ये हो जाएगा 150 डिग्रीज, ओके। तो हमारा जो रेंज है वो हो जाएगा 30 डिग्रीज से लेके 150 डिग्रीज के बीच में। तो इसी के बीच में जो डायोड है वो डायरेक्टली कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर एससीआर है तो हमें 30 के ऊपर या फिर 30 के बाद और 150 के पहले हम लोग जो फायरिंग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोगों को फायरिंग एंगल ही यहाँ पे पूछा था, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया ये मैं डायग्राम, अभी तक 3 से 4 बार मैंने वीडियो में डिस्कस किया ही है। तो यहाँ पे क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ द यूनिट स्टेप। तो ये देखो यहाँ पे स्टेप का अगर मैंने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया तो रैंप मिलेगा, और रैंप का अगर मैंने वापस एक बार यानी कि स्टेप का 2 बार इंटीग्रेशन किया तो मुझे पैराबोलिक इनपुट है वो, पैराबोलिक जो फंक्शन है वो मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिफरेंशिएट किया तो आप एक बार ये देख लेना वीडियो पॉज करके अगर आपको पता नहीं है तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द आउटपुट वोल्टेज पल्सेट्स इन अ 3-phase फुल कन्वर्टर, ओके। 3-phase फुल कन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ नहीं है, फुल कन्वर्टर है 3-phase वाला, ओके। डायग्राम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सोर्स का वोल्टेज है वो यहाँ पे ऊपर कलर फॉर्म है, कलर वेव फॉर्म है, आर वाई बी तीनों के तीनों फेजेस है, 120 डिग्री फेज शिफ्ट है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फुल वेव में क्या होता है, हमें जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनपुट का कोई भी एक वेव साइकिल हम लोग कंसिडर करेंगे, चलो एक ए नाम का जो फेज है यानी कि जो रेड फेज हम लोग को दिखाई दे रहा है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक उसका जो कंप्लीट एक साइकिल हो रहा है, जो यहाँ पे इन्होंने पीरियोडिक टाइम लिखा है, तो एक साइकिल कंप्लीट होगा इनपुट का, तब आउटपुट के कितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5,
5, ओके, और यहाँ पे 360 डिग्री यहाँ पे ना आधे में, ओके, तो ये 6, ये और स्टार्टिंग वाला ये आधा आधा, यानी कि टोटल 6 पल्सेस हमारे यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं कि इनपुट का अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो आउटपुट के हमारे जो 6 साइकिल्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो 6 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इन्हें पूछा है। फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली कितने टाइम पल्सेशन हम लोगों को मिल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि अरे सर ये तो डीसी आउटपुट मिल रहा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगा, तो फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि पल्सेशन हम लोगों को कितने टाइम मिल रहा है, कितने पल्सेस हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हाफ कन्वर्टर रहेगा, थ्री फेज हाफ कन्वर्टर, तो उसमें कितने पल्सेस हम लोगों को मिलते हैं आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, अगर आपको पता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रीपिंग क्या होता है? क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर इज द फिनोमिना इन विच द एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट्स कंटिन्यूअसली। ये है एल्यूमिनियम डिस्क, एनर्जी मीटर में एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है जो कंटिन्यूअसली रोटेट करती है। When only the voltage is supplied to the pressure coil and no current flows through the current coil, लेकिन करंट अभी भी फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ वोल्टेज अप्लाइड है, फिर भी ये डिस्क है वो घूमती है। और एनर्जी मीटर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट हम लोग दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट होता है बेसिकली, वो हम लोग मेजर करते हैं। तो अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है उसमें से, तो आइडियली तो जो डिस्क है वो रोटेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिस्क रोटेट हो रही है मतलब वहाँ पे जो मीटर है वो कंटिन्यूसली मीटर है वो रीडिंग करेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा आगे, इन अदर वर्ड्स द क्रीपिंग इज द काइंड ऑफ एरर इन विच द एनर्जी मीटर कंज्यूम्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवन व्हेन नो लोड इज अटैच टू द मीटर। हाँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, करेक्ट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द क्रीपिंग इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द डिस्क इवन अंडर द लाइट लोड कंडीशन विच इंक्रीजेस द मीटर रीडिंग। तो ये स्टार्टिंग के जो दो पॉइंट्स में कहा है वही मैंने थर्ड पॉइंट में यहाँ पे वही लिखा है। तो अभी ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप ये जो डायग्राम है अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो यहाँ पे होल्स है वो यहाँ पे इन्होंने पंच किया है, ओके, ये वाला और ये वाला, ये दोनों डायगोनली अपोजिट होल्स है वो हम लोग डिस्क में पंच करते हैं, इसके वजह से जो क्रीपिंग है वो अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यूजिंग एक्स्ट्रा टर्न्स नहीं, हैविंग टू होल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द डिस्क, करेक्ट, ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज डिजायरेबल टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर, ओके, द कॉइल शुड बी द शॉर्ट पिच बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल ऑफ। तो हमें शॉर्ट पिच एंगल कितना रखना चाहिए ताकि फिफ्थ हार्मोनिक है वोल्टेज में वो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग दो मेथड से, मतलब एक शॉर्टकट मेथड है और एक कन्वेंशनल अप्रोच है। तो कन्वेंशनल अप्रोच समझ लेना, तो शॉर्टकट अप्रोच है वो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जो पिच फैक्टर होता है, यानी कि हम लोग जिसको केपी से डिनोट करते हैं, जो पिच फैक्टर वो क्या होता है, वो होता है कॉस एप्सिलॉन या फिर जो अल्फा बाय टू होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर हम लोग को कोई हार्मोनिक एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय टू, या फिर कुछ कुछ जो स्टूडेंट है वो लिखते हैं कॉस एन अल्फा बाय टू, ओके। दोनों का मतलब सेम ही आपको समझना चाहिए, जो अल्फा या फिर एप्सिलॉन है वो एंगल के बारे में ही, शॉर्ट पिच एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर कुछ नॉइस वगैरह आ गया है पीछे से तो अवॉइड कर देना, क्योंकि बारिश का मौसम है तो विंडो का या फिर थोड़ा बारिश का आपको साउंड है वो सुनाई देगा, सिर्फ ऑडियो है इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ। कॉर्ड्स अच्छे से पहन लेना, हेडफोन्स वगैरह रहेगा तो उसके हेल्प से आपको अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अल्फा का या फिर जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अगर फिफ्थ हार्मोनिक हम लोगों को एलिमिनेट करना है, यानी कि एन का वैल्यू है वो हम लोगों को फाइव है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमिनेट यानी कि डायरेक्टली हम लोग जीरो करेंगे, जो पिच फैक्टर है डायरेक्टली अगर जीरो करना है तो कॉस एन का वैल्यू कितना है, यानी कि कितना हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, फिफ्थ हार्मोनिक, करेक्ट। तो ये हो जाएगा फाइव अल्फा डिवाइडेड बाई टू, करेक्ट। कॉस का वैल्यू, कॉस का वेवफॉर्म कैसे होता है, कॉस का वेवफॉर्म होता है ऐसे, करेक्ट। यानी कि ये पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा जो वैल्यू है वो जीरो होता है कॉस का, तो कितना होता है 90 डिग्री पे, करेक्ट। ये कॉस का वेवफॉर्म है, तो यानी कि 90 डिग्री पे कॉस 90 हो जाएगा जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव अल्फा डिवाइडेड बाय टू शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तभी एलिमिनेट हो जाएगा ये जो पिच फैक्टर है वो। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय फाइव या फिर 180 डिवाइडेड बाय फाइव, यानी कि अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हमें मिलेगा 36 डिग्री। तो फिफ्थ हार्मोनिक एलिमिनेट करना है तो जो शॉर्ट पिच एंगल रखना है वो हम लोगों को रखना है 36 डिग्री, ओके। ये हो गया कन्वेंशनल अप्रोच। अभी इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है, डायरेक्टली
अगर आपको डायरेक्टली अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एंथ हार्मोनिक का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी कि अगर फिफ्थ अगर हार्मोनिक एलिमिनेट करना है तो एन की जगह पे फाइव सब्स्टिट्यूट करोगे, थर्ड एलिमिनेट करने के एन के जगह पे थर्ड करोगे। ओके, तो थर्ड हार्मोनिक के लिए अल्फा का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट। तो सिमिलरली आप ऐसे है वो फाइंड आउट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर इज एन एलसी सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज कैपेसिटर एंड अ शंट इंडक्टर। ओके, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये डायग्राम है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दिया है। एलसी सर्किट है जहाँ पे सीरीज कैपेसिटर है एंड शंट इंडक्टर है, करेक्ट। सेम डायग्राम है, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, इंडक्टर है वो शंट में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो हमें जो फिल्टर मिलता है वो यानी कि एक फिल्टर की तरह एक्ट करेगा ऑब्वियसली, तो हमें वो हाई पास फिल्टर की तरह यहाँ पे दिखाई देता है। तो ट्यून हाई पास फिल्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये तो समझने वाली बात है, मतलब आंसर वाली बात है, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कैसे कैसे आप ध्यान में रख सकते हो, बाय हार्ट तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, चलो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी है ना, तो एक बार एफ का वैल्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा जीरो सब्सिट्यूट करेंगे और एक बार फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका जो इम्पेडेंस का वैल्यू होगा लिख लेंगे, इसका इम्पेडेंस कितना होता है एक्सी, करेक्ट। एक्सी क्या होता है वन अपॉन ओमेगा सी, और एल का वैल्यू कितना होता है, एक्सएल का वैल्यू कितना होता है ओमेगा एल, करेक्ट। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैंने जीरो सब्सिट्यूट किया, फ्रीक्वेंसी अगर मैंने जीरो रखा यानी कि लो फ्रीक्वेंसी हम लोग यूजुअली कहेंगे, तो लो फ्रीक्वेंसी के टाइम क्या हो जाएगा, एक्सी का वैल्यू कितना हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम है, और एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सएल का वैल्यू अगर मैंने जीरो सब्सिट्यूट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा जीरो। यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये इम्पिडेंस लो है, जीरो इम्पिडेंस यानी कि हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर यहाँ पे ओपन है यानी कि हो जाएगा ये ओपन सर्किट, करेक्ट। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया तो आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा, कुछ, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट होने की वजह से आउटपुट पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि ये अटेन्यूएट हो जाएगा, अटेन्यूएशन हो जाएगा यहाँ पे फॉर लो फ्रीक्वेंसी रीजन, फॉर लो फ्रीक्वेंसी ऐसे मैं कह सकता हूँ। और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए सिमिलरली एफ का वैल्यू हमें डायरेक्टली इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करूंगा, तो एक्सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्सी का वैल्यू होगा वन अपॉन इन्फिनिटी यानी कि यह हो जाएगा जीरो, और जो एक्सएल का वैल्यू है वो ये डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओपन और ये एज इट इज शॉर्ट। ओके, जीरो ओम है यानी कि ये शॉर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कोई भी मैं इनपुट इनपुट पे दूंगा यहाँ पे इनपुट पे वो डायरेक्टली आउटपुट पे मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस की वजह से, करेक्ट। इनपुट में जो दूंगा वो डायरेक्टली आउटपुट पे मिल जाएगा हम लोगों को फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, एंड लो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे अटेन्यूएशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग ट्यूनिंग कर सकते हैं तो इसलिए ये ट्यून हाई पास फिल्टर है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली लो फ्रीक्वेंसी का भी सेम है, लो फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर आपको चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एक बार जीरो सब्सिट्यूट करके देखो और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एक बार इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करके देखो, आपको सेम रिजल्ट है वो दिखाई देगा, यानी कि आपको यहाँ पे लो पास फिल्टर है वो दिखाई देगा। सिमिलरली बैंड पास फिल्टर के लिए यहाँ पे शंट में भी एक एल और सी कनेक्टेड रहेगा और यहाँ पे सीरीज में भी एक एल और सी है वो कनेक्ट रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग यानी कि एक एज ए लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो वहाँ पे आप चाहिए तो मिडल फ्रीक्वेंसी भी एक कुछ ना कुछ है वो अज्यूम कर लेना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में फिल्टर का मतलब क्या होता है, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो पास करता है, या हाई पास फ्रीक्वेंसी है तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को अटेन्यूएट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन, कौन से डोमेन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डोमेन के बारे में पूछा है, सिंपल अल्जेब्रिक फॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हम लोग लैपलेस डोमेन में फाइंड आउट करते हैं, लैपलेस यानी कि कौन सा होता है एस डोमेन में, करेक्ट, लैपलेस डोमेन या फिर एस डोमेन में। और हम लोगों को पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये अगर हुआ कोई भी एक सिस्टम, ये होगा यहाँ पे आउटपुट या फिर जिसे हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पे इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन लैपलेस डोमेन। ओके, जेड ट्रांसफॉर्म वगैरह कुछ नहीं होता है लैपलेस डोमेन में या फिर एस डोमेन में होता है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फैन आउट एंड द पावर डिसिपेशन इन TTL, CMOS एंड ECL लॉजिक फैमिलीज। ओके, तो शायद इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को ये चीज शायद पता नहीं होगी, तो देख लेते हैं हम लोग एक बार क्या होता है। एक ये टेबल आप समझ लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो फैन आउट यानी कि हम लोग आउटपुट में वो पर्टिकुलर TTL या फिर CMOS है वो कितने आउटपुट है वो इजीली ड्राइव कर सकता है, आउटपुट हम लोग कितने कनेक्ट कर सकते हैं ये होता है फैन आउट, और फैन इन मतलब हम लोग उस पर कितना इनपुट साइड पे हम लोग उसके जो एलिमेंट्स है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्या पूछा है, करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट वैल्यू ही फाइंड आउट करना। तो देखते हैं ऑप्शन वन, सीमॉस हैज द हाईएस्ट फैन आउट एंड द लोएस्ट पावर डिसिपेशन। देखते हो सीमॉस हाईएस्ट फैन आउट है क्या, हाँ करेक्ट है, सीमॉस में हाईएस्ट फैन आउट है एज कम्पेयर टू द TTL एंड ECL एंड लोएस्ट पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन यहाँ पे है। ओके, तो सीमॉस का सबसे लोएस्ट है करेक्ट, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों को मिल गया। बाकी का ऑप्शन आप खुद से चेक कर लो, बाकी के ऑप्शन है वो आपको रॉन्ग मिल जाएगी। ओके, तो एक ये टेबल है, स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा अगर आपको पूछा तो। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को ये पता नहीं होता मैक्सिमम टाइम, लेकिन ठीक है हम लोग पढ़ लेंगे। और वैसे भी जो क्वेश्चन हम लोगों को आने वाला है वहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम लोग 100 के 100 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आएंगे। ओके, मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कस किया कि आपको कैसा पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द वेक्टर्स फ्रॉम ऑल पोल्स एंड जीरोस टू द पॉइंट ऑन एनी रूट लोकस सेगमेंट। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, हम लोगों ने अच्छे से एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन पढ़ा है, अपने कॉलेज में भी पढ़ा रहेगा एग्जाम के प्रिपरेशन वक्त, और हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम के जो महाट्रांसको की प्लेलिस्ट बनाई है, लेक्चर लिया है कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, तो उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल कंडीशन में रूट लोकस पे अगर कोई भी पॉइंट है वो लाई कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग ये दो कंडीशन से चेक करते हैं, तो एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा भी है कि रूट लोकस पे अगर वो लाई कर रहा है तो वो बाकी के जो पोल्स एंड जो जीरो है उसके साथ कौन से टाइप का एंगल है वो क्रिएट करेगा। तो ऑब्वियसली अगर वो रूट लोकस पे लाई कर रहा है यानी कि वो एंगल कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली, यानी कि वो बाकी के जो रूट्स रूट्स या फिर जो पोल्स और जो जीरो है उसके साथ साथ ये 180 डिग्रीज या फिर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज ऑड मल्टीपल, स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया ऑड मल्टीपल ऑफ जो 180 डिग्रीज रहेंगे उतना वो एंगल है वो जनरेट करेगा। तो के का वैल्यू हम लोग 1, 2, 3 या फिर यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 180 डिग्रीज या फिर 180 डिग्रीज के मल्टीपल में हम लोगों को जो एंगल है वो मिल जाएगा। तो सिर्फ 180 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, इट इज़ अ 180 डिग्री और इट्स ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। वॉट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ RL सीरीज सर्किट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एक कैच भी है यहाँ पे, इन्होंने इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछा है। ओके, तो डायरेक्टली कुछ स्टूडेंट है वो डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली कन्वेंशनल मेथड से जाने की कोशिश करेंगे। RL सीरीज सर्किट है तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछा यानी कि जो इनपुट है वो यहाँ पे अभी इम्पल्स है, क्योंकि यहाँ पे अभी इम्पल्स इन्होंने सप्लाई दिया। यूजुअली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, अगर DC वोल्टेज रहा तो हम लोग UofT लिखते हैं वहाँ पे, करेक्ट, अगर 10 वोल्ट का सोर्स है तो 10 UofT लिखेंगे वहाँ पे नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स यहाँ पे इन्होंने पूछा है, तो V वैल्यू लेंगे यहाँ पे, सर्किट में करंट फ्लो करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग देखेंगे कि इसका आउटपुट का जो स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो कौन से पैटर्न में हम लोगों को दिखाई दे। ओके, ये होगा I का वैल्यू, टाइम डोमेन में लिखने की कोशिश करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V del of T, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क कर लेना, V del of T हम लोगों को लिखना है, V U of T यूजुअली लिखते हैं या फिर V लिखते हैं तो वो हम लोगों को यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, आपका आंसर है वो चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, R टाइम्स ऑफ द I of T प्लस L dI/dt, करेक्ट, इसका हम लोग डायरेक्टली लाप्लास लेंगे तो कितना हो जाएगा, Δt का लाप्लास कितना होता है, Δt का अगर हम लोगों ने लाप्लास लेंगे तो हो जाएगा 1। ओके, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन है तो इतना ये हो जाएगा, वी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, इसका लाप्लास लेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका अगर हम लोगों ने लाप्लास कंसिडर किया तो RI of T। ओके, तो R यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा I of S प्लस L टाइम्स ऑफ द I of S, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, LS, सॉरी LS I of S।
आई एस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आर प्लस एल एस, करेक्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे वी। आई एस एक साइड पे लेंगे, ये हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आर प्लस एल एस, ओके। इसको हम लोगों को एडजस्टमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा, एल से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय एल अपॉन एस प्लस आर डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग लाने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद अगर इनवर्स लैपलेस लिया तो इजीली वो हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ऑफ टी। तो ये कैसा होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द ई टू द पावर माइनस ए टी, इसका लैपलेस कितना होता है, ई टू द पावर माइनस ए टी का लैपलेस अगर हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो हो जाए वन डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, एंड वाइस वर्सा अगर हम लोग इसका इनवर्स लैपलेस लेंगे तो ये हम लोगों को कुछ ई टू द पावर माइनस ए टी के टर्म्स में यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो वी बाय एल तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये हो जाएगा वी बाय एल, और वन डिवाइडेड बाय एस प्लस आर बाय एल है तो इसका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आर बाय एल टी। तो ये होगा हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है वो, यानी कि हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल डीकेइंग है, करेक्ट, एक्सपोनेंशियल डीकेइंग फंक्शन है क्योंकि माइनस है ना, राइजिंग नहीं है, निगेटिव होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे डीकेइंग फंक्शन मिलेगा, यानी कि कैसा मिलेगा, अगर इसका डायग्राम हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि करंट का वैल्यू है वो कम होते होते जाएगा, करेक्ट, क्योंकि इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अपोज करते थे, इसलिए करंट का वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में शायद यहाँ पे डी दिखाई देगा तो एक किसी स्टूडेंट ने मार्क किया है तो वो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन हो गए शायद कुछ कुछ जगह पे, यहाँ पे मैं ट्रिक टिक कर रहा हूँ तो वही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, ओके। अगर यहाँ पे इम्पल्स के जगह पे इन्होंने यू ऑफ टी का फंक्शन दिया होगा, इम्पल्स के जगह पे, इम्पल्स रिस्पॉन्स के जगह पे अगर यहाँ पे स्टेप इनपुट या फिर स्टेप रिस्पॉन्स अगर पूछा होता तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट का जो वेवफॉर्म है वो कौन सा नेचर रहेगा आउटपुट वेवफॉर्म का, ये आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। तो आपका एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगर डिफरेंट डिफरेंट पूछेंगे तो वहाँ पे, ओके। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, आर एल के जगह पे आर सी बी सर्किट है वो ट्राई करके देखना, दोनों में उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स भी देखना और उसका स्टेप रिस्पॉन्स भी देखना, ओके। ऐसे ही प्रैक्टिस करते एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन एक लगा के आप लोड चेंज कर सकते हो, उसका सप्लाई चेंज कर सकते हो, उसका रिस्पॉन्स कौन से जगह पे क्या पूछा है, शायद आपको आर के अक्रॉस पूछेंगे, सिर्फ एल के अक्रॉस पूछेंगे, वोल्टेज पूछेंगे, आर सी लगाएंगे, सीरीज में कनेक्टेड है तो पैरेलल में कनेक्ट करो आर एल, उसके साथ आर सी सीरीज में है तो आर सी पैरेलल में कनेक्ट करो, स्टेप इनपुट दो, इम्पल्स इनपुट दो, रैंप इनपुट दो, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका इजीली अच्छे से सब तैयारी वो हो जाएगा और आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, आप एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट 5 से 6 क्वेश्चन है वो खुद से बना सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स इन डिफरेंशियल कनेक्शन, ओके। डिफरेंशियल कनेक्शन यहाँ पे कीवर्ड है, हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 mH एंड 4 mH एंड अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.15 mH। तो क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, दो कॉइल्स है, ओके, आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, इसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 2 mH एक का, दूसरे का है 4 mH, ओके, दूसरे का है 4 mH और दोनों डिफरेंशियल कनेक्शन में कनेक्टेड, यानी कि इसका डॉट अगर यहाँ पे है तो दूसरे का डॉट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, या फिर अगर अंदर के साइड है तो यहाँ पे हो जाएगा और दूसरे का यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो टोटल एल इक्विवेलेंट का हम लोगों को वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, साथ साथ में क्या दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है का, हाँ, यानी कि दोनों का म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो दिया है 0.15 mH। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल में क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, डायरेक्टली समेशन करो और आंसर निकालो, कितना हो जाएगा, प्लस 4 माइनस ट्वाइस ऑफ द 0.15, सब मिली में है तो डायरेक्टली लेंगे 6 माइनस 0.3, कितना हो जाएगा 5.7 mH, ओके। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, मुझे बहुत अच्छे लगे ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो 5.85, यानी कि अगर आपने 2 times ऑफ द मल्टीप्लाई करना यहाँ पे भूल जाओगे तो आंसर है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर माइनस के जगह माइनस करोगे तो 0.85 मिलेगा, अगर प्लस करोगे तो 0.15 मिलेगा, और अगर आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस इग्नोर ही किया तो डायरेक्टली आपको 6 mH मिलेगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिए थे, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट के अगर आपको पता नहीं होगा फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हो, इजीली
गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रांजिस्टर इज यूज एज अ स्विच फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ओनली हाई पावर इन्वर्टर्स, बोथ लो एंड मीडियम पावर इन्वर्टर्स, ओनली लो पावर इन्वर्टर्स एंड ऑप्शन इज मीडियम पावर इन्वर्टर्स। तो हाई पावर के लिए हम लोग यूजुअली जो SCRs है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि SCR की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो IGBT और MOSFET की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी तो लो के मीडियम के बीच में होती है। तो हम लोग ट्रांजिस्टर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है, तो ट्रांजिस्टर यानी कि IGBT या फिर MOSFET के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ लो एंड मीडियम पावर इन्वर्टर्स के लिए हम लोग जो ट्रांजिस्टर है वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू अ DC मशीन इज 230 वोल्ट, देन द बैक EMF ऑफ द मैक्सिमम पावर डेवलप इज। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, शायद आपको पता नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या है, DC मशीन है, बैक EMF है। ठीक है, बैक EMF है मतलब हम लोग मोटर है वो कंसिडर करेंगे। तो मोटर का इक्वेशन क्या होता है, DC मोटर के केस में मोटर का इक्वेशन क्या होता है, VT इज इक्वल टू जो बैक EMF रहेगा EB प्लस IARA। करेक्ट, यही होता है, VT इज इक्वल टू EB प्लस IARA। ओके, यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो वोल्टेज का इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पावर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जगह IAVT इज इक्वल टू IAEB प्लस ये हो जाएगा IA2RA। ठीक है, जो पावर हम लोग कंसिडर करते हैं DC मशीन के केस में मैक्सिमम पावर बैक EMF से रिलेटेड है, तो हम लोगों को इसको इसके रिलेटेड जो मैक्सिमम पावर है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक साइड पे लेंगे, ये हो जाएगा IAEV इज इक्वल टू, ये यानी कि ये हो जाएगा पावर बेसिकली इज इक्वल टू IAVT प्लस IA2RA। तो अगर हम लोग को मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है पावर, तो यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म है वो करंट ही है, तो इसलिए हम लोग DP डिवाइडेड बाय IA करेंगे, कि ये हो जाएगा कितना होगा, यानी कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो हो जाएगा VT प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, नहीं माइनस हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि IA का टर्म से हम लोग वहाँ पे लेंगे, तो ये जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके, मिस्टेक होगा, यहाँ पे होगा माइनस टू टाइम्स ऑफ द IARA। ठीक है, और इसको हम लोगों को मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, कह रहे डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, VT इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द IARA। करेक्ट, अपोजिट साइड पे मैक्सिमम फाइंड आउट करना, इसलिए इक्वल टू जीरो कर दिया यहाँ पे, यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि IARA इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाय टू। करेक्ट, IARA इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास डायरेक्टली IARA है ना यहाँ पे प्रेजेंट, तो हम लोग IARA का वैल्यू अभी यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन में है, फर्स्ट इक्वेशन में IARA का वैल्यू हम सब्सिट्यूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, VT इज इक्वल टू EB प्लस IARA। IARA का वैल्यू कितना है, VT डिवाइडेड बाय टू, यानी कि कितना हो जाएगा, EB इज इक्वल टू VT माइनस VT डिवाइडेड बाय टू, तो ये हो जाएगा बैक EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टू। तो अगर हमें मैक्सिमम पावर डेवलप है वो फाइंड आउट करनी है, तो जो बैक EMF का वैल्यू है इट शुड बी टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टू। तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे अभी 230 है, तो इसका मतलब जो बैक EMF है वो 115 होना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो एक्चुअल में आपको सिर्फ डायरेक्टली ये फॉर्मूला है वो दिखाई देगा, लेकिन वो क्यों आता है, कैसे आता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो शायद अगर आप भूल भी गए तो आप ये मोटर के इक्वेशन से डिफरेंशिएट या फिर जो डेरिवेट करते वक्त आप फाइनल तक पहुंच सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको वहाँ पे नहीं क्लिक किया, तो आप कन्वेंशनल मेथड से जा सकते हो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके याद है अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर अ क्यू मीटर टू मेजर एक्सेल बाय आर। तो अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्यू मीटर का सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये होता है क्यू मीटर का सर्किट डायग्राम, यहाँ पे अननोन कॉइल है, उसके पैरेलल में एक CD यानी कि कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे रेजोनेटिंग कैपेसिटर भी होता है, और इसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ऑप्शन के एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं हम लोग, अगर आपको डायग्राम भी याद है तो उसके अकॉर्डिंग AC ब्रिज सर्किट नहीं, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा AC ब्रिज सर्किट टाइप जो सर्किट है वो। उसके बाद है और टैंक सर्किट विद ट्यूनिंग कैपेसिटर। टैंक सर्किट में क्या होता है, L और C होता है, और ट्यूनिंग कैपेसिटर यानी कि बेसिकली जो कैपेसिटर है वो वेरिएबल रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा
आपकी कैपेसिटर है वो वेरिएबल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, अ सर्किट दैट रिक्वायर्स अ ट्यूनिंग एंड अ बैलेंसिंग साइमल्टेनियसली। यहाँ पे बैलेंसिंग का सर्किट यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, ओके okay? तो ऑप्शन सी है वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज अ सर्किट दैट गिव्स द सेम रीडिंग एट ऑल फ्रिक्वेंसीज। नहीं, ये भी प्रॉमिसिंग ऑप्शन है वो नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अ टैंक सर्किट विद अ ट्यूनिंग कैपेसिटर। तो बेसिकली यहाँ पे एलसी सर्किट दिखाई दे रहा है और कैपेसिटर है वो वेरिएबल है, यानी कि ट्यूनिंग कैपेसिटर है, तो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द डैम्पिंग रेशियो वेन द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट पीक इन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज यूनिटी। ओके, रेजोनेंट पीक यहाँ पे उन्होंने पूछा है। कंट्रोल सिस्टम में हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था रेजोनेंट पीक का। अगर आप डायग्राम देखोगे वो कैसा होता है, जो वेवफॉर्म जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे जो रेजोनेंट पीक है यानी कि जो मैक्सिमम पीक है रेजोनेंट सर्किट में वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम लोग एम पी या फिर एम आर के टर्म्स में हम लोग इसको लिखते हैं, और ये पर्टिकुलर होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोगों को जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिलती है। ओके, ये ओमेगा का वैल्यू लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, डैम्पिंग रेशियो यानी कि जीटा का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। एम आर रेजोनेंट पीक या फिर जो आप कुछ भी ले लो एम पी, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और इसका वैल्यू इन्होंने कहा है एज अ वैल्यू ऑफ यूनिटी विच इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने से अच्छा मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन एक एक पुट करते जाओ, आपको मिलेगा। अगर आपने 1 ऑप्शन अगर जीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना मिलेगा, जीटा का वैल्यू हो जाएगा 2। राइट साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे आर एच एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि टोटल ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू है वो 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड क्या है, जीटा अगर हम लोगों ने 1 बाय रूट 2 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हाफ। ओके, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस हाफ मतलब 2, 1 बाय रूट 2, और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 हो जाएगा हाफ ना, करेक्ट, 2 इंटू 1 बाय 2 यानी कि हो जाएगा 1, सो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो हम लोगों को आंसर मिल गया, जीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना जो कैलकुलेशन किया है वो, आई थिंक सो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो सिमिलरली आप ऐसे सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत शायद लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अगर आपको जीटा का एक ही वैल्यू है ना, तो डायरेक्टली अगर ऑप्शन पता है और इतना ईजी ऑप्शन है तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है तो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द मैक्सिमम सैग ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैविंग अ स्पैन ऑफ 240 मीटर बिटवीन द लेवल सपोर्ट्स विद अ वेट ऑफ कंडक्टर इज 727 केजी पर किलोमीटर एंड हैज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 6880 केजी। अलाउ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 एंड निगलेक्ट द विंड एंड आइस लोडिंग। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, वॉट इज द मैक्सिमम सैग, तो मैक्सिमम सैग का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सैग का फॉर्मूला क्या होता है, सैग का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टी। यहाँ पे डब्ल्यू होता है वेट ऑफ द कंडक्टर, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, 8 तो नंबर है, और टी होता है वो होता है टेंशन, करेक्ट। वो पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन पे या फिर वो पर्टिकुलर कंडक्टर पे कितना अमाउंट ऑफ टेंशन है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, लेकिन वो पर्टिकुलर कंडक्टर पे कितना टेंशन है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, सैग कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे, एक ही यूनिट में लाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे मीटर दिया है और यहाँ पे दिया है किलोमीटर। ओके, तो या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो या फिर मीटर में कन्वर्ट करो, जैसे आपको ठीक लगेगा, लेकिन हम लोग मैं तो सजेस्ट करूंगा मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि ऑप्शन है वो मीटर में दिए है। ओके, तो 727 केजी पर किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक किलोमीटर कितना होता है, एक किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा 0.727 केजी पर मीटर। ओके, 1000 से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, तो मीटर में सारी चीज़ें मिलेंगी, तो सैग का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन
ये टी का वैल्यू इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमें दिया है क्वेश्चन में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया है और साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यहाँ पे कंसिडर करना है। तो टोटल टी का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, टी होता है वो होता है इसका वैल्यू मेरे के फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो दिया है क्वेश्चन में, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि कितना हो जाएगा ये 6880 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 3440 केजी। ओके, इतना अमाउंट ऑफ टेंशन यहाँ पे आ जाएगा। आपको देखना है अच्छे से फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्होंने दिया है तो यूज करना पड़ता है बहुत बार। अगर आपको सिर्फ टी का वैल्यू पता है तो आप अगर आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपका आंसर है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, शायद ऑप्शन में आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है वैल्यू। सैग का वैल्यू कितना मिलेगा, सैग इज इक्वल टू डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.727 मल्टीप्लाई बाय एल यानी कि 240, मीटर में कन्वर्ट किया है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिवाइडेड बाय कितना है डिवाइडेड बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू कितना है 3440। ओके, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.52 मीटर। ओके, इतना आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे 2014 में ऑफलाइन पेपर था तो कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउड था, तो इसलिए इतने लेंदी कैलकुलेशन है। यहाँ पे अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हम लोग ईजी कैलकुलेशन मिलेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया भी फिर भी ईजी क्वेश्चन, ईजी न्यूमेरिकल वाले आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्स्टेंट करंट सिग्नल अक्रॉस अ पैरेलल आरएलसी सर्किट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1.4 वोल्ट एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.89 किलोहर्ट्ज एंड 4.1 किलोहर्ट्ज एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज द आउटपुट वोल्टेज विल बी। तो 4 किलोहर्ट्ज पे आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे इन्होंने कहा है, और 3.89 एंड 4.1 किलोहर्ट्ज ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे हमें सेम वोल्टेज मिल रहा है जो है 1.4 वोल्ट। ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक नहीं बेसिकली क्वेश्चन की हम लोगों को रीड करना है। पैरेलल आरएलसी सर्किट है, पैरेलल आरएलसी सर्किट, अभी देखो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज पे अगर हमें सेम वैल्यू मिल रहा है यानी कि हमें कुछ वी या फिर इन्वर्टेड वी वाला कर्व मिलेगा, करेक्ट, या तो हमें ऐसा कुछ कर्व मिलेगा या फिर हमें ऐसा कुछ कर्व है वो यहाँ पे दिखाई देगा, करेक्ट, तभी हमें एक पर्टिकुलर रेंज पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दिखाई देगी, यानी कि हम लोग ये यूजुअली रेजोनेंस के कंडीशन में पढ़ते हैं, करेक्ट। तो पैरेलल आरएलसी के केस में हमें जो करंट मिलता है वो ऐसा यू टाइप या फिर जो इन्वर्टेड वी कर है वैसा हमें मिलता है जो करंट का वैल्यू है वो, और जो वोल्टेज का वैल्यू है वोल्टेज का वेवफॉर्म वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, करेक्ट। और जहाँ पे टॉप मिलेगा हमें ये होगा यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। यहाँ पे कितना दिया है ये होता है बेसिकली वी मैक्स डिवाइडेड बाय रूट टू, और ये जो पीक वाला वैल्यू है ये होता है वी मैक्स, करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। हम लोगों को यहाँ पे दिया है 3.89 किलोहर्ट्ज, ओके, ओमेगा नहीं लिखता मैं, एफ लिखता हूँ क्योंकि किलोहर्ट्ज में दिया है, और यहाँ पे दिया है 4.1 किलोहर्ट्ज। ओके, तो अगर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना हो जाएगा 3.89 मल्टीप्लाई बाय 4.1, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 4 किलोहर्ट्ज की एक्यूरेसी मिलेगा, यानी कि बेसिकली ये रेजोनेंट पे पीक पे कितना वैल्यू होगा हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर वी मैक्स डिवाइडेड बाय रूट टू यानी कि ये वैल्यू है वो कितना दिया है 1.4 वोल्ट इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट, तो सिर्फ वी मैक्स का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ओके, ये हो जाएगा ये रूट टू है, ओके, ये रूट टू है, तो ये हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय रूट टू। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, सीरीज पैरेलल आरएलसी की जगह पे अगर आपको सीरीज आरएलसी पूछा, अगर आपको वोल्टेज की जगह पे करंट पूछा, तो ये चार ऑप्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आरएलसी ही लेना सर्किट, एक बार सीरीज लो, एक बार पैरेलल लो। ओके, सीरीज में आई फाइंड आउट करो, वी फाइंड आउट करो, पैरेलल में आई फाइंड आउट करो, वी फाइंड आउट करो, चाहिए तो इम्पीडेंस फाइंड आउट करो, इम्पीडेंस या फिर एडमिटेंस। ओके, इम्पीडेंस एडमिटेंस, यहाँ पे भी इम्पीडेंस और एडमिटेंस, ऐसे मल्टीपल आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से या फिर डिफरेंट डिफरेंट सर्किट चेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है वो जनरेट कर सकते हो खुद से, किसी की जरूरत नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक की भी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बैटरी चार्जर कैन ड्राइव अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन टू अ
10 ohm resistance connected at its output terminals, if it is able to charge an ideal 2 volt battery at a 7 ampere rate, then its Thevenin equivalent will be. Okay, तो यहाँ पे typing error actually, यहाँ पे 10 ampere नहीं है, sorry 10 ohm नहीं है, यहाँ पे 1 ohm है. Okay, तो ये correct कर देना, यहाँ पे printing mistake है, क्योंकि 10 ohm से यहाँ पे correct answer नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या कहा है, बैटरी चार्जर सर्किट है एंड इट ड्राइव्स अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर इनटू अ 10 ओम रेजिस्टेंस. तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी चार्जर सर्किट है तो बॉक्स से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये बैटरी चार्जर सर्किट है, बैटरी चार्जर सर्किट, और ये कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस से जिसका वैल्यू है 1 ओम, और ये करंट कितना खींच रहा है, 5 एम्पीयर करंट है वो खींच रहा है. ओके, कोई बात नहीं. दूसरा क्या कहा इन्होंने, अगर सेम सर्किट से अगर हम आइडियल बैटरी चार्ज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 2 वोल्ट, अगर 2 वोल्ट की बैटरी हम लोग चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पे 7 एम्पेयर है वो यहाँ पे खींचेगा. करेक्ट, 7 एम्पेयर अगर यहाँ पे ड्रॉ करेगा तो हमें बैटरी चार्जिंग जो सर्किट है यहाँ पे जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हम लोगों को क्या मिलेगा. ठीक है, देख के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है ना. तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में हम लोगों को पता है कि एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं. करेक्ट, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जाओ ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है. अगर आपको नहीं पता है, अप्रोच नहीं क्लिक हो रहा है, ऑप्शन लो, उठा के सब्स्टिट्यूट करो. ये बेसिकली होगा यहाँ पे सर्किट. ओके, और यहाँ पे कोई भी एक सर्किट ले लो, चलो पहला वाले सर्किट हम लोग कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे थेवेनिन वाला सर्किट. करेक्ट, यहाँ पे 1 ओम वाला सर्किट है और इसमें से 5 एम्पीयर है वो फ्लो होना चाहिए. फर्स्ट में क्या आता है, 7.5 वोल्ट है, 7.5 वोल्ट डाल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. 7.5 यहाँ पे हो जाएगा 0.5, तो यानी कि करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन है कि हो जाएगा 1.5. तो अगर 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर. सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, सेकेंड भी देख लेते हैं एक बार, करेक्ट आ रहा है कि नहीं. सेकेंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वोल्टेज सोर्स लूंगा मैं, रेजिस्टेंस लूंगा और यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट करूंगा, वोल्टेज सोर्स. ओके, इतना ही है राइट साइड में हमारा जो दिख रहा है वो 2 वोल्ट 7 एम्पियर. सेम ले लो, यहाँ पे 0.5 कनेक्ट करो रेजिस्टेंस, 7.5 का वोल्ट कनेक्ट करो, करंट का वैल्यू 7 एम्पियर आ रहा है कि नहीं फाइंड आउट करो. ओके, ये इसका है, इसका कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 7.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.5. 7.5 माइनस 2 कितना होता है, 5.5 डिवाइडेड बाय 0.5, 11 एम्पियर. ओके, 11 एम्पियर है का आंसर में, करेक्ट नहीं, हमारा एक्चुअल में आंसर 7 एम्पियर आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7.5 की जगह पे हम लोग 12.5 है वो कनेक्ट कर दे, 12.5 वोल्टेज है यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5. करेक्ट है, 5 एम्पियर आता है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया. सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.5 और यहाँ पे ऊपर है 1.5. ओके, तो ये 12.5 माइनस 2, 12.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अभी यहाँ पे हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा ये, 10.5 डिवाइडेड बाय 1.5. ओके, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7 एम्पियर. तो ये करेक्ट है, दोनों कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है. यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना है. ओके, जैसे फर्स्ट पे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा था ऑप्शन ए के लिए, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. ओके, तो डायरेक्टली टिक मत कर देना, आपको ये घुमाने के लिए जानबूझ के उन्होंने ऑप्शन ए में वैसा ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है अच्छे से, 5 एम्पियर भी मिल रहा है और 7 एम्पियर भी हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है. थेवेनिन पूछा है, तो थेवेनिन के जगह पे अगर आपको शायद नॉर्टन के पूछ सकते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस और नॉर्टन का जो करंट है RN और IN का वैल्यू है वो फाइंड आउट कर पूछ सकते हैं. तो IN और RN का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे. ठीक है, तो ऐसे ही एक डायग्राम दिया सर्किट में, उसी को हम लोग घुमा फिरेंगे, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द नेचर ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम हैविंग अ क्रिटिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s² + 2s + 2 = 0. ओके, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया वापस से. क्लोज लूप सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली दिया है, सिर्फ जीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना ताकि हम लोगों को समझ में आ जाएगा. क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, s² + 2ζ ωnS + ωn² = 0.
सबसे पहले ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा एन हमें मिल जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टू, करेक्ट, और टू जीटा ओमेगा एन इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा टू, यानी कि टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, जीटा का वैल्यू हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय रूट टू विच इज लेस देन वन। और अगर लेस देन वन हुआ तो इसका मतलब जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अंडर डैम। ओके, ओवर डैम के लिए जीटा ग्रेटर देन वन होता है, क्रिटिकली डैम के लिए जीटा इक्वल टू वन होता है, अंडर डैम के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया जीटा लेस देन वन होगा, और अनडैम के लिए जीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने सर्कल भी वो देखा था अच्छे से कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर में, मार ट्रांसको के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली ONGC के प्लेलिस्ट पे या फिर अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया आपने थोड़ी देर पहले, थोड़े टाइम पहले, एक दो दिन पहले, या फिर 2019 का पेपर देखने के बाद, स्ट्रेटेजी देखने के बाद, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूर से महा ट्रांसको की प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट करना। साथ साथ में BMCJEE के जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे JEE लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जो SEC JEE में भी पूछे गए थे, आपके बहुत काम में आ सकते हैं, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि वो जाके जरूर से देखना। ओके, BMCJEE का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो प्रोवाइड कर दूंगा, उसके सिर्फ पार्ट बी देखना। पार्ट बी में हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किए, पार्ट ए में हम लोगों ने थ्योरी कवर की है, और साथ साथ में जो महा ट्रांसको का जो प्लेलिस्ट है, महा ट्रांसको के AE के लिए प्लेलिस्ट बने हम लोगों ने, वहाँ पे ऑलमोस्ट 17 से 18 जो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो देख लेना अच्छे से, बहुत काम में आ जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपके JEE के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है वहाँ पे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, चिंता मत करना, क्योंकि जल्दी वीडियो आ जाएगा, ऑब्वियसली मुझे पता है एग्जाम बहुत ही जल्द है, तो जल्द से जल्द यानी कि विद इन 1 से 2 डेज में जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं फटाफट अपलोड करने की जरूर से कोशिश कर देना। जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको चैनल ये वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ओके, मैं लास्ट एंड स्क्रीन पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। Yeah.